यहाँ पर आज मैंने कपड़े धोने की मशीन लगाई थी तो कपड़े धुल चुके हैं, और ये वाला सेक्शन जो है मैंने इसको क्लीन भी कर दिया है अंदर से। और बाकी इस वाले पे अभी कपड़े देख सकते हैं अभी ड्राई हो रहे हैं, बस लास्ट रह गए हैं ये, और फिर मैं इसके अंदर की भी क्लीन कर दूँगी और इसको बाहर से ही पूरा क्लीन कर देंगे। और अभी रात के 7:15 आ चुके हैं और ये देख सकते हैं चिकन। मैंने अभी खाना नहीं बनाया क्योंकि आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा यहाँ पर, और मुझे मशीन कपड़े कपड़े भी धोने थे, वॉश करने थे सारे, और यहाँ पर चिकन मैंने वॉश कर लिया है। आज चिकन बनवाना था नसीम को, तो जितना बनना होगा बना लेंगे, बाकी का रख देंगे। तो वॉश मैंने सारा कर लिया है ताकि अगली बार फिर इसमें ब्लड जो है जम जाता है फ्रीजर में रख दो, तो इसलिए मैंने सारा वॉश कर लिया है इसको। और यहाँ पर यह आटा गुना हुआ रखा था तो बस इसी की रोटियाँ बनाऊँगी मैं आज। और यहाँ पर मैंने ये आलू बैंगन बनाए हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अभी चिकन बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और ये मैंने खीरा निकाल के रखा है क्योंकि इतने दिन हो गए रखे रखे, और ये बिल्कुल अभी फ्रिज में ठंडे हुए थे तो मैंने सोचा रोज़ एक निकाल कर बाहर रखूँगी और फिर इसकी ठंडक जो है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर इसको खाने में यूज़ में लेंगे। बाकी मिर्ची देख सकते हैं मैंने वॉश करके इसमें रख ली थी, और ये सभी मसाले वगैरह दही, और ये मलाई मैंने दूध पे से उतारी थी, उतार उतार के रखती रहती हूँ मैं, और इसका एकदम एक और बॉक्स है और एक बॉक्स और है तो वो फिल हो चुका है, और ये वाला फिर मैंने इसमें करना शुरू कर दी थी तो ये भी फिल हो जाएगा। तो फिर साथ में ही घी निकाल लेंगे, और अभी घी ख़त्म भी होने वाला है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अदरक लहसुन दही और गरम मसाले मैंने हरी मिर्च सभी चीज़ें पाउडर मसाले सभी निकाल कर रख लिया है, और मशीन के हमारे जो कपड़े हैं वो भी ड्राई हो गए हैं लास्ट वाला। तो अभी हम रोटियां बना लेंगे और चिकन का सालन बना लेंगे। और मैंने नसीम से पूछा था कि मैं काली मिर्च का जो चिकन होता है वो वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं वो बनाना चाह नहीं रही थी, मतलब मैं सोच रही थी बना लूँ, फिर नसीम को जो है कोरमे वाला ज़्यादा पसंद है तो आज हम कोरमे वाला ही बनाएंगे, रेड वाला चिकन, और फिर किसी और दिन हम बनाएंगे काली मिर्च का चिकन। तो अभी पहले ऑयल इसमें और डाल देते हैं, और यहाँ पे मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए हैं, गरम मसाला भी डाल दिया है और चिकन मिक्स कर दिया है। अभी इसमें दही डाल देंगे, और प्याज को मैंने फ्राई नहीं किया है, जैसे मैंने बताया है कि मैंने प्याज को फ्राई हुई भी देखी, इसमें मखाना हर जो भी इसमें होते हैं सभी चीज़ इसमें हैं, मखाना प्याज और वाइट ग्रीन वाली छोटी इलायची और साबुत इलायची और जितने भी चीज़ें होते हैं सब इसमें हैं, तो ये बड़ा ईजी लगता है इस वजह से मुझे कौरमा या चिकन कौरमा बनाना टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी, प्याज को फ्राई होने में टाइम लगता था तो अभी वो हुई है, और जब ये ख़त्म हो जाएगी तब भी मैं सोच रही हूँ एक साथ काफ़ी सारे प्याज को फ्राई करके रख लें। और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करा था, ये चिकन का ही पानी था जो भी था अभी इसमें, वो इसमें दही ऐड कर देंगे, जितना चाहिए बस उतना मिक्स कर देंगे इसे भी। और इस साइड मैंने चिकन में प्याज भी ऐड कर दिया था जो आपको दिखाया था बॉक्स में रखा हुआ, वो भी डाल दिया था, और इसमें मैंने जो जो चीज़ें डालनी थी वो भी डाल दी थी। इसका कलर देखिए माशाल्लाह से कैसे खिलकर आया है, और ये बिल्कुल रेडी है। मैंने फिर लास्ट में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें उबाल दे दिया है, और चिकन की रेसिपी पहले भी है चैनल पर, चिकन कौरमा की भी और गोश्त के चिकन की भी। तो बस मैंने आपको दिखा दिया है कि आज का हमारा दिन कैसा कैसा रहा, और पूरा दिन तो दिखाया भी नहीं, सिर्फ लास्ट का ही दिखाया है, आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें उबाल भी आ गया है और ऑयल भी अच्छे से आ गया है इस पर, तो अब इसको फुल कवर कर देते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं,
और यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल मैंने चावल देखिए भिगोए थे बिल्कुल, तो यहाँ पर सिर्फ 1 कप मैंने राइस भिगोया है और इसको वॉश भी कर लिया है खांसी हो रही है तो इसको मैंने वॉश भी कर लिया है, इसको मैंने अभी भिगो दिया है और जब इसको खाने का टाइम होगा तब मैं बिल्कुल 5 मिनट पहले इसको बना लूँगी अपने लिए, क्योंकि मुझे सालन से या फिर आलू बैंगन से चावल सफ़ेद बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इनको भिगो दिया है। तो अभी ने ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए और जब खाना खाने का टाइम होगा हो जाएगा तब मैं इसको बना लूँगी 10 मिनट पहले। और यहाँ इस साइड देख सकते हैं अभी नेक्स्ट डे लग चुका है और आज फिर से पूरे दिन का स्किप हो गया है, तो यहाँ पर शाम में देख सकते हैं आज हम बना रहे हैं हमारे पापा की फेवरेट डिश दम की कबाब। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गोश्त को पीस लिया है, इसमें नमक ऐड कर दिया है, अदरक लहसुन ऐड कर दिया है इसमें, और खसखस चने और खसखस को पीस के पाउडर बनाकर इसको ऐड कर दिया है, इसमें मैंने पिसे हुए ज़ीरे का पाउडर भी ऐड किया है, और इसके अलावा पिसी हुई पीली मिर्च पाउडर वो भी मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। मैंने ये सभी मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर दिए हैं और मैं अभी इसको थोड़ा सा टेस्ट करके भी देखूँगी, जब इसका एक बना लेंगे हम तो फिर जो भी कम होगा वो इसमें दोबारा से ऐड कर देंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं चॉपर में मैंने हरी मिर्ची और प्याज को ऐसे चॉप कर लिया है, तो इसमें बड़ी इजीली हो जाती हैं चॉप, क्योंकि फिर चाकू से करो तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो मैंने प्याज को कट करके इसमें ऐड कर दिया था और फिर इसको चॉपर से चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर ये सभी इसमें ऐड कर देंगे और इस सारे जो भी ये सब मसाले वगैरह इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने गैस पर रख दिया है, पैन चढ़ा दिया है मैंने और इसमें ऑयल डाल देंगे, यहाँ पर हम साथ में ही बनाएंगे मसाला भी भून लेंगे। तो एक साइड मैंने पैन चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ देख सकते हैं कढ़ाई भी रख दी है, तो उसमें ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे। यहाँ पर सभी मिर्च और हरी मिर्च और प्याज को मैंने यहाँ इसमें ऐड कर दिया है, प्याज थोड़ी ज़्यादा ही ली है मैंने क्योंकि जूसीपन आता है थोड़ा कबाबों में प्याज से, तो यहाँ पर अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को। और नमक आप इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से डालें क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को देख सकते हैं हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और वैसे ही सभी मसाले जो कच्चे गोश्त के कबाब बनते हैं उसमें भी इसमें ऐड किया जाता है, लेकिन उसमें एक अंडा और आलू भी जाता है, तो मैंने इसमें अंडा और आलू ऐड नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही सब मैंने इसमें ऐड किया है, बाकी ना ही मैंने इसमें अंडा डाला है और ना ही किसी तरह का इसमें मैंने आलू डाला है। तो आज हम ऐसे ही बनाएंगे और ये दम की कबाब बना रहे हैं अभी, और ये जो डिश है ये हमारे पापा की फेवरेट डिश थी और अक्सर रमज़ान में पापा ये वाले कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा बनवाते थे, तो मैंने सोचा कि उन्ना नसीम को खिलाए जाए बनाकर, तो यहाँ पर मैं आज इसलिए बना रही हूँ यहाँ पर दम की कबाब। और ये देख सकते हैं ये बड़ी अच्छी तरह से सारा मसाला जो मिक्स हो चुका है, और इसको स्पून से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है क्योंकि उससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो भी नहीं पाएगा, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से हैंड वॉश कर लें फिर इसको अच्छी तरह से हाथ से ही मिक्स करें, और फिर हम इसके गोल टिक्कियाँ बनाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ हम बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, इसको गर्म कर लेंगे, और यहाँ पर मैंने इसमें भी ऑयल डाल दिया था और इसको भी हम गरम कर लेंगे। तो जो भी मसाले जाएंगे वो अभी हम आपको दिखा देंगे, यहाँ देख सकते हैं ऑयल गरम हो रहा है, तो ये देख सकते हैं अभी इसको हम इस वाले पे शिफ्ट कर देंगे और अपने दोनों काम हमारे एक ही टाइम पे हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये जो मैं लेकर आई थी नोएडा से तो फाइनली ये भी लग चुकी है, और यहाँ देख सकते हैं इसमें मैंने सारे बड़े स्पून छोटे सब इसमें लगा दिए हैं, और बाकी ये निशान देख सकते हैं ये कितने ख़राब लग रहे हैं, तो जब इसको लगवाया था तब इसमें थोड़ा मसाला वगैरह गिरने लगा था, इसकी वजह से सारे निशान से बन गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए, और अभी इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स जाएंगे वो मैं अभी को दिखा देती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि नसीम टमाटर बहुत ज़्यादा ले आए थे तो हम टमाटर की कोई रेसिपी बनाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टमाटर इसका, तो यहाँ पर बिल्कुल 6-7 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के
रेड वाले बिल्कुल लेकर इसको देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें प्याज भी है, तो प्याज और टमाटर का मैंने बहुत ही अच्छा सा स्मूथ यहाँ पर एक पेस्ट तैयार कर लिया है थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो प्याज को कट किया, टमाटर को कट किया और थोड़ा सा पानी ऐड किया, मिक्सी में इसको ग्रेट कर लिया है। तो ये प्योरी बनकर तैयार है। और यहाँ पर देख सकते हैं बस इसको मैंने ऐसे एक बॉल सा बनाया और इसको हाथ पर ऐसे फ्लैट कर लिया है। तो ये देख सकते हैं कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको गोल गोल डिज़ाइन देना है इस पर। तो बस मैंने इसको हाथ पर रखकर ऐसे फ्लैट कर लिया था। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल भी गर्म हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक कबाब को फ्राई करने के लिए रख दिया है और सिर्फ एक ही कबाब मैं अभी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें कोई कमी होगी मिर्च या नमक तो हम अभी इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्च काट सकते हैं, इसमें पीली मिर्च भी गई है, तो अगर कम होगी तो मैं दोनों मिर्च में से कोई सी भी मिर्च इसमें और कट कर लूँगी या फिर पीसी मिर्च डाल लूँगी। तो इसको हम एक फ्राई करके टेस्ट करेंगे पहले और फिर हम इसमें आगे का अपना जो कबाब है फिर वो बनाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तेल को भी रख दिया था गर्म करने के लिए। तो तेल मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इसलिए मैं इसको अच्छे से गर्म कर रही हूँ ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है, मतलब तो कच्चे तेल की बहुत बुरी सी आती है खाने में, तो ये सारी ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, जो जो भी इसमें ऐड करेंगे और जो पहले जाएगा जो बाद में जाएगा वो आपको दिखाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको टिकिया को कच्चे गोश्त के हमारा ये कबाब इसको पलट देते हैं बड़े प्यार से, क्योंकि तेल बहुत गर्म हो रहा है और मुझे बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि मुझे गर्म तेल से बहुत डर लगता है और उस दिन भी मेरे हाथ पर आ गया था ये। और यहाँ इस साइड देख सकते हैं कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। और यहाँ पर देख सकते हैं पेस्ट कितना अच्छा है हमारा और यह ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करेंगे, थोड़ा सा डालते हैं पहले क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ें करने वाला है। अभी देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर आपने देखा कि अभी कितनी ज़्यादा इसमें तेज़ आवाज़ें आ रही थी। तो अभी जो है हम अपना सारा जो भी टमाटर का पेस्ट है वो सारा इसमें ऐड कर देंगे और इस मसाले को हम एक दो मिनट, दो तीन चार मिनट ऐसे ही फ्राई करेंगे बस मीडियम गैस पर, ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो निकल जाए। तो अभी हम मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस इसको एक दो मिनट ऐसे ही भून लेंगे। बाकी तो ये बचा हुआ ये भी इसमें ऐड कर देंगे। पहले हम यहाँ पे कबाब को पलट देते हैं, नहीं तो फिर इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा कबाब भी अच्छे से फ्राई हो रहा है और बाकी का जो पेस्ट है वो अभी इसमें ऐड कर देंगे। और ये कबाब टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, एक बार और आप बनाकर इसको ट्राई ज़रूर करना। तो मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से और अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाले जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी एक हमने कबाब को अच्छे से इस पर कलर आ गया है, फ्राई कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी और बहुत टेस्टी भी दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा टेस्ट करना है और अभी टेस्ट करना है क्योंकि फिर लेट हो मसाला हमारा रेडी हो जाएगा और कबाब रह जाएंगे। तो मुझे बस जल्दी से फ्राई करने हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है अभी खाने का और नसीम भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको भी ऐसे चाकू की हेल्प से थोड़ा कट कर लेंगे और टेस्ट कर लेंगे, और अगर नमक कम हुआ तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा सा फीका लग रहा है तो हम अभी इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। मिर्च बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं मसाला हमारा टमाटर का भुन रहा है, इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसमें थोड़ी थोड़ी देर में हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि टमाटर जो बीच नीचे से लगे नहीं। बस गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम रखना है और इसको अच्छी तरह से भून लेना है मसाले को। यहाँ पर देख सकते हैं कबाब हमारा गर्म बहुत ज़्यादा है और बहुत टेस्टी भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी 3 से 4 मिनट हो गए हैं,
चार पाँच मिनट इसको हम ऐसे ही भूनना है हमें सिर्फ टमाटर को ऑयल में। और बाकी इसमें अभी देख रहे हैं आप थोड़े थोड़े से ये लम्स से नज़र आ रहे हैं, तो ये मिक्सी में ग्राइंड होने से रह गए हैं, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ये जैसे जैसे कुक होते चले जाएंगे ये अपने आप ही ये एक पेस्ट इसका बनता चला जाएगा, सॉफ्ट होते जाएंगे ये। तो यहाँ पर अभी इसमें पाउडर मसाले वगैरह ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कुटी हुई काली मिर्च है, यहाँ पर मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। और जैसे जैसे हम मसाले जाते इसमें डालते चले जाएंगे तो वैसे वैसे इसे मिक्स ज़रूर करते रहिए, इससे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे। तो यहाँ पर बस देख सकते हैं, और बाकी इसमें जाएगा नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो पहले नमक इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें भी हमें नमक ध्यान से ऐड करना है क्योंकि इसकी जो प्योरी होती है जो मतलब तो वो हमें थोड़ी थिक रखना होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड में अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा इसका ये जो होता है मसाला ये अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा सा ही ऐड करेंगे अभी इसमें, मिक्स कर लेंगे इसे भी अच्छी तरह से। और ये देख सकते हैं थोड़ी थोड़ा ये इस पे गाढ़ापन सा आना स्टार्ट हो गया है, और अभी इसमें हम पाउडर मसाले हमारे जो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैंने रेड वाला मिर्ची पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, रेड मिर्ची ही इसमें जाता है, और पीली मिर्च का पाउडर इसमें डाल देंगे तो सालन का कलर थोड़ा पीला पीला सा हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर थोड़ा ये रेड वाला ही अच्छा लगता है कलर इस पर, ये देख सकते हैं अभी थोड़े से इसमें मिर्ची और ऐड कर देते हैं। और कबाबों में हमने पीली मिर्च भी ऐड की है और हरी मिर्च भी ऐड की है, और वो कबाब भी इसी में ही जाएंगे। तो यहाँ पर अभी थोड़ा ध्यान से हम मिर्ची को ऐड करेंगे, और ये रहा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये देख सकते हैं एक चम्मच भर कर मैं इसमें ऐड कर दूँगी अभी, तो ये एक स्पून ही देख सकते हैं बस होगा, और इसमें बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे जैसे ये कुक होता जा रहा है आप देखिए ये सारे जितने लम्स थे ये सारे ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ पर इस पर ऑयल भी आना स्टार्ट हो गया है, और बाकी कलर भी देख सकते हैं कितना प्यारा सा आ रहा है इस पर, और गाढ़ापन भी आ रहा है खूब अच्छी तरह से। तो अभी गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो कर देते हैं, ये देख सकते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ सब जितना वो कबाब बनाए हैं तो सारा यहाँ पर ऑयल ऑयल सा होना स्टार्ट हो गया हो रहा है, यहाँ पे छींटे उड़ती हैं क्योंकि कबाबों की बहुत ज़्यादा, तो इस सब पर तेल तेल की छींटे आ गई हैं बहुत। और इसको मिक्स ज़रूर करते जाएं बीच बीच में ऐसे, नहीं तो ये मसाला नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो है माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा सा आ गया है इस पर, और ये अभी मसाला भुना नहीं है, अभी ये मसाला भुन जाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये अभी देख सकते हैं मसाला भुना नहीं है, प्याज कच्ची कच्ची अलग ही नज़र आ रही है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है इसलिए मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ। और अब बारी है इनकी टिक्कियाँ बनाने की, इनकी गोल गोल टिक्कियाँ बनाएंगे और हमको फ्राई करके इनके कबाब बना लेंगे, और फिर आगे इसका क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें जितनी जो जो चीज़ें डालनी थी वो मैंने डाल दी हैं, और बाकी जो है अगर इसमें मिर्च मैं टेस्ट करूँगी जब ये पूरी मसाला अच्छे से भुन जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाता है, ये गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी रखी जाती है, तो जब ये पूरी तरह से भुन जाएगा तब मैं इसी मिर्ची को टेस्ट कर लूँगी, अगर कम लगेगी तो थोड़ी सी ऐड कर देंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको बंद करके अभी रख रही हूँ, और जल्दी जल्दी कबाब फ्राई कर लेते हैं हम। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं कबाबों को फ्राई कर रही थी, तो जो उसमें एक्स्ट्रा थोड़ी सी प्याज होती है जो निकल जाती है कबाब से बाहर, तो ये वो है, और ये जल जल कर काली हो गई है तो इसको अभी साइड कर देंगे, और बाकी के हम अपने और कबाब बनाकर इसमें रख देते हैं फ्राई करने के लिए। बाकी ये देख सकते हैं ये मैंने इतने फ्राई कर लिए हैं, और इसमें जो भी थोड़ा सा नमक वगैरह कम था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, अभी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है।
तो बाकी के जो बचे हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको मैं गरम कर रही हूँ क्योंकि, और यहाँ पर मसाला भी देख सकते हैं हमारा, इसको ऐसे मैंने बिल्कुल स्लो गैस पर रख दिया है। और इसको ढक्कन लगाकर थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे चला देंगे ताकि ये जो है मसाला जले भी नहीं और अच्छे से भुन भी जाए। और प्याज थोड़ी देर से ही भुनता है, प्याज का जो मसाला होता है उसमें अच्छी तरह से, जब भी मसाला फट जाएगा तब इसमें ऑयल आ जाएगा। और फिर हम इसमें अपने कबाब वगैरह ऐड कर देंगे। यहाँ पर और स्लो गैस कर देते हैं कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी बस इतना सही हमारे रह गए हैं, और बाकी के सारे हमारे कबाब जो हैं फ्राई हो गए हैं, ये देख सकते हैं। और ये मसाला भी देख सकते हैं, इस पे ऑयल कितने अच्छे से आ गया है और कितना गाढ़ा गाढ़ा सा भी हो गया है पहले से ही, आप देख सकते हैं। क्या टाइम हो गया अबे यार, क्या लाया तुम ये, क्या लाया तुम ये, मतलब मैं इतनी अच्छी डिश बना रही हूँ तुम्हारे लिए और तुम ये ले रहे हो। फ्राई 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 में कर दी थी ना एक दिन, मतलब है झूठे। ये मसाला हमारा देखिए अच्छे से भुन चुका है, तेल भी अलग हो चुका है और इसी ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। और अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं, स्लो हीट पर मैंने रख दिया था इसको बिल्कुल दम लगाने के लिए, दम नहीं सॉरी बनने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल स्लो स्लो गैस पर मैंने इनको भी रख दिया था क्योंकि तेज़ तेल जो है वो ज़्यादा तेज़ हो गया था और ये दूसरी तरफ से कच्चे हैं अभी, तो गैस को हम थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं अभी। अभी कच्चा ही होगा अभी, तो चलिए मैं आपको इस साइड दिखाती हूँ कि अभी इसका क्या करना है। बस मैं सोच रही हूँ कहीं ऐसा ना हो, मसाले में थोड़ी सी कसर रह गई हो इस वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कसर जो है, अभी बहुत टाइम हो गया इसको बनते हुए तो ख़त्म हो गई हो जो भी इसमें स्मेल हो सब मसालों की, टमाटर की, प्याज की, लग तो रहा है जैसे मुझे गल चुके हैं अच्छी तरह से। तो अभी देखते हैं एक मिनट और रुक जाते हैं हम इसको। आवाज़ देखो ज़रा, आवाज़ कैसी आवाज़ आ रही थी ख़तरनाक वाली एकदम, ये तो पता नहीं क्या हो रहा है इनके साथ। इसका प्यारा कलर आया है इससे, और कच्चे गोश्त के कबाब है तो इनको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, कभी स्लो गैस करी जाएगी थोड़ी, कभी तेज़ गैस करी जाएगी इस तरह से, नहीं तो ये कच्चा कच्चा गोश्त मुँह में आएगा तो बहुत ख़राब लगेगा। फिर थोड़ी स्लो गैस कर देंगे तो थोड़ा ये अंदर तक जो है कुक हो जाएगा। अभी तेल जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो मैं गैस को ऑफ़ कर देती हूँ, मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और अभी जितना तेज़ गरम तेल है ना उसमें ही अपने आप फ्राई हो जाएंगे जो भी कसर इसमें रह गई है। तो ये वाला हो चुका है फ्राई, ये देख सकते हैं इससे बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, इसको बाहर निकाल लेंगे नहीं तो इनका कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो चेक कर लेंगे जोन जोन से हमारे अच्छे से हो गए फ्राई, इनको बाहर निकाल लेंगे एक एक करके। इससे ही बहुत प्यारा सा कलर आ गया है और ये देख सकते हैं ये नसीम अभी अभी फ्राई लेकर आए हैं, पता नहीं क्यों लेकर आए हैं, और मैंने बताया था कि मैं आज कबाब बनाऊंगी इनके लिए, फिर भी देख सकते हैं एक एक करके मैं सारे ही निकाल लूँगी क्योंकि सारे फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से, देख सकते हैं। देख सकते हैं
और ये देख सकते हैं ये खाली हो चुका है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारे लगा दिए हैं। और ये प्याज वगैरह जो थी ना, ये वो हैगी जो इसमें अपना काला काला मुँह दिखा रही है। और ये देख सकते हैं हमारे प्याज, टमाटर, मिर्च, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक और क्या डाला था ये इसमें, इन सभी चीज़ों का पेस्ट जो बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका होगा आई थिंक। ये भुन गया है अच्छे से। और प्याज को कभी भी इसमें कट करके नहीं डालना, प्याज को हमेशा इसमें पीस कर ही डालना, वरना लम्स लम्स आएंगे आपके, और प्याज जब काली वो हो जाएगी तो वो मोटी मोटी अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर अभी ये हो चुका है, अभी हम इसमें दम लगाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन कबाबों को मैं बड़े वालों को उठा उठा कर इसमें ऐड कर देती हूँ, थोड़े से एक डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और ये रेसिपी पता नहीं नसीम को कैसे लगेगी। और गैस जल रही है, देखिए इसी तरह से इसको स्लो हीट पर हमें दम लगाना है। थोड़ी सी ग्रेवी डाल देंगे इनके ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी ग्रेवी मैंने इनके ऊपर डाल दी है, ये सारी ग्रेवी नीचे रह जाएगी और फिर दम नहीं लग पाएंगे सही से, देख सकते हैं। और अब इसमें और लगा देंगे। इसमें पांच जो हैं जा चुके हैं, ये भी डाल देते हैं इसकी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अभी इसमें और कम बाकी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं थोड़ा सा बिल्कुल इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इनको दम लगाना है तो ये ऐसे तो नहीं लगेंगे। और इस स्टेज पर आप जो है नमक को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पानी इतना नहीं रहेगा इसमें अभी, क्योंकि जब ये दम लगेगा तो 4 से 5 मिनट हमें इसको स्लो गैस पे ही छोड़ना है, ताकि ये अच्छी तरह से इसका टेस्ट ग्रेवी का इसमें आ सके कबाबों में। और बाकी अभी इसमें और चीज़ें जाएंगी, तो इसमें अभी क्या जाएगा मैं अभी आपको दिखा दूँगी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो गैस देखिए बिल्कुल ही स्लो पर है, और अभी इसको ढक देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें 10 मिनट हो गए कम से कम, बिल्कुल स्लो स्लो गैस पर मैंने इनको छोड़ दिया था दम लगाने के लिए। और अभी इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देते हैं, ये देख सकते हैं हरा धनिया, और इसमें हरा धनिया जाता है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो मैंने इसको कट कर लिया है, कट करने से पहले मैंने इसको वॉश भी किया है अच्छे से, फिर ये कट किया है। तो ये ड्राई वाला नहीं है, देख सकते हैं, इसलिए मेरे हाथ में चिपक गया, मैं अभी इन्हें धोकर लेकर आई हूँ बस। और अभी इसमें एक चीज़ और जानी है, तो मैं वो भी अभी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बटर मैं 1 चम्मच के करीब इसमें डाल रही हूँ, और वैसे तो इसमें कोयला रख कर पहले बीच में कोयला रखते हैं किसी बाउल में करके, फिर उसके ऊपर से बटर डालते हैं, और फिर जो है इसको ऑफ कर देते हैं गैस को। तो हमारे पास कोयला तो है नहीं, दूर से दूर तक नहीं है इस टाइम, तो मैं क्या मेरे पूरे मोहल्ले में नहीं होगा, मेरे घर में क्या, मेरे आस पड़ोस में भी अगर मैं शायद ढूंढवाऊँ तो नहीं मिलेगा कोयला, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है। तो इसको हम ढक देते हैं 1 मिनट के लिए बस, और गैस को हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये अभी ग्रेवी बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। गैस मैंने ऑफ कर दी है, ये देख सकते हैं इस साइड, और इसको मैंने ढक दिया अच्छी तरह से, ताकि इसकी खुशबू जो है बटर की अंदर ही रह जाए। और अभी बस 1 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से आपको नज़र आने वाला है। इसको सही से निकालना था ना, जो धनिया सारा नीचे चला जाता।
कटोरा उठाना पीछे से। और ये भुजिया मैंने सुबह बनाई थी नाश्ते के बाद, ये कबाब मैंने अभी बनाए हैं, और ये कच्चे गोश्त के कबाब हो गए, और ये फ्राई नसीम ले ये फ्राई नसीम लेकर आए हैं, इन्होंने पार्टी करी थी आज। और ये चटनी मैंने बनाई है ग्रीन चिली, और ये वाली इसके साथ मिली है, ये भी इसके साथ मिले हैं। और ये अभी अभी गुलिस्तान बाजी के घर से आए थे, अभी अभी नहीं मतलब 2 घंटे हो चुके हैं इनको, और इनको टेस्ट करा नसीम ने। ये देख सकते हैं हमारा दस्तरखान लग चुका है। और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बाकी हमारी वीडियो को आप लोग इंजॉय कीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा खाना, के साथ लेमन भी मिला है। रोटी नीचे से निकालो ना, ये ताज़ी ताज़ी वाली निकाल लो। अच्छा बना है माशाल्लाह, क्या बने हैं ये, और लाजवाब बने हैं, ज़्यादा दिल चाह है उंगली खाते रहो चाटते रहो, उंगली खाते रहो उंगलियाँ चाटते रहो, मतलब मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो, कैमरे के लिए या हाँ, सही में अच्छा बनाऊंगी सच में, ईमानदारी से, ईमानदारी से टेस्ट अच्छा है, अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, खाते रहो। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्राई चिकन, तो ये मेरे लिए है सिर्फ, क्योंकि इन्होंने कारखाने में खा लिया था, तो ये मेरा है। और ये देख सकते हैं ये प्याज के संग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और ये जो चटनी इसके संग मिलती है ग्रीन वाली बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, कुछ खट्टा सा टेस्ट है इसमें, अजीब सा अच्छा सा लगता है बहुत। तो यहाँ पर मैंने भी ग्रीन चटनी बनाई थी, और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं हमारा दस्तरखान कितना प्यारा लग रहा है, सभी चीज़ें इस पर मैंने लगा दी अच्छी तरह से। ये देख सकते हैं हमारे कबाब दम किए कबाब, और इस साइड देख सकते हैं माशाल्लाह से हम लोग दोनों का पेट भर गया है, और ये सारा देख सकते हैं सिर्फ इसमें से 2 लेग पीस ही मैंने खाए हैं, बाकी सारा इसी रखा है, क्योंकि नसीम ने नहीं खाया है ये, नसीम ने कारखाने में खा लिया था ये, और ये सिर्फ मेरे लिए लेकर आए थे, तो मुझे लेग पीस ही ज़्यादा पसंद है, तो वो मैंने दोनों खा लिए हैं। और मुझे टमाटो केचप से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये, ना इस चटनी से ना इससे, ये वहाँ से आई है, ये बाहर से आई है, और ये मैंने बनाई थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा केचप के संग ये अच्छा लग रहा था टेस्ट में। और ये भुजिया ये ऐसी ही रह गई है, अभी सिर्फ एक बाइट लिया था नसीम ने। और ये वाले कबाब देख सकते हैं, ये तीनों हमारे ऐसी रखे हुए हैं, लेकिन ये 5 थे, इसमें से 2 जो है नसीम ने पहले ही किचन में जब मैं बना रही थी जब आकर बड़े शौक से खाए थे उन्होंने 2 कबाब गर्म गर्म, और नसीम ने ये बहुत शौक से खाया है, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये देख सकते हैं। और कैमरा ऑन होने पर वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे मेरे कबाबों की, लेकिन कैमरा ऑफ होने के बाद ही वो और ज़्यादा इसकी तारीफ़ कर रहे थे, और मैं बोल भी रही थी जब भी कैमरा स्टार्ट था तब तो इतनी तारीफ़ करी नहीं, अभी क्यों, तो वो बोल रहे थे कि मतलब ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और ये बिल्कुल रेडीमेड जैसे लग रहे हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट के हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट का टेस्ट भी अच्छा होता है, तो उनको भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे लग रहे थे कि जैसे कोई ग्रेवी अच्छी सी, बहुत टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो गया है माशाल्लाह से। और बाकी ये चिकन फ्राई ये सब हम रख देते हैं अभी, क्योंकि बिल्कुल भी अभी मन नहीं कर रहा है, और मेरा बनाते बनाते इन्हें मन भर गया है, जैसे मैं सुबह खाऊंगी इन्हें, क्योंकि सिर्फ नसीम ने खाए हैं जो भी 2 कबाब, और बाकी इसमें से मैंने उसी में से थोड़ा सा खाया था, क्योंकि मैं बनाने से भी दिल भर जाता है थोड़ा, और ये बासी होकर और ज़्यादा अच्छे लगेंगे सुबह को, मतलब लंच में। और कल मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं खाना ना बनाऊँ, कल को जो है ये हमारा खाना है यही खाएंगे हम। और बाकी देख सकते हैं हमारा टमाटो केचप कितना बड़ा से बॉटल, और अभी ये इतनी रह गई है, सिर्फ इतनी रह गई है, और शायद रमज़ान में हमें ये लाना पड़े, या हो सकता है यही चल जाए, तो अभी हम सबको रख देते हैं, और रख देते हैं अभी, और सुबह या फिर कल रात हम इसे खाएँगे अब।